प्रदेश के अमरोहा में CAA, NRC व NPR के विरोध में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कानून को वापस लेने का जमकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता चौधरी शमीम अयूब समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम हसनपुर उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि अमरोहा जनपद के कब्सा उजभारी में CAA, NRC व NPR के कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय के हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और इस कानून को रद्द करने की मांग की। लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस काले कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से जिन बेगुनाह लोगों की मौत हुई उन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा व उनके परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी दी जाए। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है NRC, CAA और NPR, इसके खिलाफ है। ये मुल्क को तोड़ने वाला संविधान के खिलाफ कानून है। इसलिए हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाने के लिए और इस मुल्क की एकता अखंडता और सामियत को बरकरार रखने के लिए इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। और हमने श्रीमान SDM महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें इस कानून को रद्द करने की मांग की है। हुए अब जो जाने वाले थे पाकिस्तान में चले गए, समझे, खुद मेरे ताऊ चले गए, मेरे चचा और मेरे फादर नहीं गए। उन्होंने कह दिया हम तो यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। अब वो नहीं गए तो हमें तो यहीं रहना, यहीं मरना है। और जो भी कानून अगर वो पब्लिक के खिलाफ है, ऐसा है, ऊपर वाला सरकार को भी ऐसे अकल दे कि उसे वो उसमें अमेंडमेंट करे, जो भी करे, ऐसी चीज़ करे जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो और भाईचारा बना रहे। हमारे मुल्क की जो तहजीब और भाईचारा पूरी दुनिया में मशहूर है। आज भी बराबर का मुल्क है पाकिस्तान, वो तो बहुत ही बुरा है। वहाँ तो पता चला कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में और तड़ाधड़ गोली चला दी, पता चला कि 35 लोग मार दिए मस्जिद में। तो खुदा का शुक्र है हमारे देश में ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, हमारा देश जैसा तो देश ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी आज़ादी है ही नहीं जैसी हिंदुस्तान में। लेकिन कभी कभी कुछ गलत फहमी पैदा कर दी जाती है, वो इलेक्शन के लिए कैसी वो कर दी जाती है। लेकिन जितनी बड़ी आज़ादी, जितना बड़ा जैसा मुल्क, जैसा आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान है, ये मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, इसमें कोई बनावटी बात नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा कहीं भी जैसा हिंदुस्तान में है, समझे। हम अपनी बात कह सकते हैं, आज उसका जीता जागता सबूत है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई माई का लाल 100 आदमी इकट्ठे होकर अपनी बात नहीं कह सकता। यह आज भी डेमोक्रेसी है, यह आज भी आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ कानून में भ्रांति पैदा हो रही है उसे या तो सरकार क्लियर करे कि साहब किसी को परेशानी नहीं है, और अगर जिसमें परेशानी किसी को अगर हो रही है तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट। Thank you.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।